अब मैं इसमें पिसा हुआ पोस्ता डालूंगी। एक दो मिनट मैं इस मसाले को पकाऊंगी। मसाला हमारा पक चुका है, तेल बाहर निकल गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम लोग इसमें एक एक करके सारा फिश डालेंगे। इसको मिलाएं, दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। इसको मैं अच्छे से बॉईल करूंगी। ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसमें मेथी पाउडर डालूंगी जो कि मैंने कुटा हुआ है। इसमें से टेस्ट बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं लास्ट में रोस्टेड मेथी पाउडर मिलाती हूँ। लॉकडाउन है इसलिए धनिया पत्ती या टमाटर मैंने नहीं डाला। फिश हमारी बन चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी।
फिश करी रेडी है।